हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है दिसंबर 2022 के लिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट का, जिसमें सब कुछ दिया है। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सीटेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक डाले जाएंगे, कब इसके एग्ज़ाम होंगे और इसका सिलेबस क्या है, फ़ीस क्या रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। जैसे कि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अगस्त 2022 से 19 दिसंबर 2022। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2022। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी का जो लास्ट डेट है 22 सितंबर 2022। एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो 16 नवंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक होगी। ऑन CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है ये बात तो अब सभी को पता है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी है सीटेट के लिए जनरल और OBC के लिए पेपर वन और पेपर टू का 1000 रुपीज़। बोथ पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपीज़ लेंगे, ये जनरल और OBC के लिए। SC ST और डिफरेंशली एबल्ड पर्सन के लिए सिर्फ पेपर वन और टू के लिए 500 रुपीज़ और दोनों पेपर के लिए 600 रुपीज़। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जो है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। द शेड्यूल ऑफ सीटेट दिसंबर 2022 इज गिवन बेलो, जिसमें 16 नवंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक एग्ज़ाम होंगे। ये दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, Shift 1 and Shift 2। Shift 1 की जो टाइमिंग होगी 9:30 बजे से 12 बजे नून तक, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, 2.5 घंटा टाइम मिलते हैं इसमें। और Shift 2 भी 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा, CBT मोड, इसमें भी 2.5 घंटे टाइम मिलेगी आप लोगों को। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को जो स्ट्रक्चर और कंटेंट होता है सीटेट का एग्ज़ाम का वो कैसा होता है। इसमें सीटेट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है विथ 4 अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। दिस इज़ अ बिग पॉजिटिव पॉइंट, इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीटेट एग्ज़ाम। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट, सीटेट का 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 विल बी अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 टू 5। क्लास 1 टू 5 के लिए पेपर 1 होते हैं और क्लास 6 टू 8 के लिए पेपर 2 होते हैं। नोट करके इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर बोथ लेवल्स क्लास 1 टू 5 एंड क्लास 6 टू 8 विल हैव टू अपियर इन बोथ द पेपर्स पेपर 1 एंड पेपर 2। कोई इंसान अगर दोनों 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों के लिए टीचर बनने की एलिजिबिलिटी रखता है तो वो दोनों पेपर के लिए अपियर हो सकता है। पेपर 1 के सब्जेक्ट में फॉर क्लास 1 टू 5 प्राइमरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी। स्ट्रक्चर इसमें मैं आपको यूं ही गो थ्रू कर दे रही हूँ सिलेबस का, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल डीप सिलेबस बताऊँगी। फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, 30 मार्क्स MCQs होते हैं इसमें, 30 मार्क्स के होते हैं। Language 1 कंपलसरी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, Language 2 कंपलसरी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, Mathematics 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस और Environmental Studies 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 मार्क्स हो गए। Language 1 और Language 2 में आप, इसमें 20 लैंग्वेज दिया हुआ है सीटेट के लिए, इसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो, जो आपका लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। ये 20 लैंग्वेज है, इस 20 में से कोई 2 भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने ईजीनेस के अकॉर्डिंग। अब पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 2 फॉर क्लास 6 टू 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स। अब स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स।
लैंग्वेज वन कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज टू कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। जो साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर बनने के चाहते हैं, जिनका सिलेबस साइंस है, उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस है। और सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट सोशल स्टडीज़ से हैं और सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए सोशल साइंस है, वो ऑप्ट करेंगे सोशल साइंस, उनके लिए भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। इसमें फोर्थ ही है, चार ही ग्रुप है, फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड लैंग्वेज वन, थर्ड लैंग्वेज टू, और फोर्थ में हो गया या मैथ और साइंस या फिर सोशल स्टडीज़, दोनों में से कोई एक। इसमें भी लैंग्वेज उसी तरह से आप चूज कर सकते हैं जैसे पेपर वन में है, पेपर वन के लिए भी जो लैंग्वेज है वो पेपर टू के लिए भी वही लैंग्वेज है, बस डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग रहेंगे। इसमें भी लैंग्वेज 20 लैंग्वेज ऑप्ट करने का ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई दो लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी, इंग्लिश, असामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। 20 लैंग्वेज सेम टू सेम जैसे पेपर वन में था वही पेपर टू में भी है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो होगा बाइलिंगुअल होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस की डेट ऑफ सबमिशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक होंगे, कब इसके एग्ज़ाम होंगे, इसके सिलेबस क्या हैं, इसकी फ़ीस क्या लगेगी। अगले वीडियोस में मैं आपको लेकर आऊँगी इसके डीप सिलेबस, पेपर वन और पेपर टू का पूरे डीप सिलेबस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।